इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के दफ्तरदार एवं चौकीदार यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद है। वहीं इन लोगों का नारा है कि अनिश्चितकालीन घेरा डालो एवं डेरा डालो आंदोलन को लेकर के यहाँ पे काफी लोग मौजूद है। वहीं हम यहाँ के अध्यक्ष से जानेंगे कि क्या कुछ मुख्य मांगे है इन लोगों की, क्या कुछ मुख्य मांगे है आप लोगों की यहाँ पे आज, आप लोग इतने तादाद में महिलाओं एवं पुरुष यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आज हम लोग की प्रमुख मांग है कि चौकीदार दफ्तरदारों के रिक्त पदों पर सरकार ने विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस पर हमारी मांग है कि सरकार तत्काल रोक लगाए और जो चौकीदार हटा दिए गए हैं उनको बहाल करें। इसके बारे में हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो चौकीदार सेवा विमुक्त कर दिए गए हैं उनको पुनः सेवा में योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उपनिच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश झारखंड सरकार जारी करे या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करे। ये हमारी प्रमुख मांग है और ये पुसुत दर पुसुत काम करते आए हैं। इनकी सूचना जनहित राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है और जब विज्ञापन निकाल के नियुक्ति की जाएगी तो जनहित और राजहित प्रभावित होगा और जो ST SC OBC के लोग ये इस सेवा में हैं वो इस सेवा से बाहर हो जाएंगे। ये हमारी मांग है कि इनको कानून बना करके सरकार राहत दे। आप लोगों को कब हटाया गया था? हटाने से पहले कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी कि आप लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ भी पहले बातें कही गई थी आप लोगों से? सूचना दी गई थी जब कहा कि आपकी नियुक्ति अवैध है, ठीक है। तो मेरा इसमें कहना है कि हमारी नियुक्ति अवैध नहीं है, हमारी नियुक्ति वंश के आधार पर नहीं हुई है, सरकारी आदेशानुसार हुई है। और 3 आदेश है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। एक आदेश है संयुक्त बिहार का, गृह विभाग का पत्रांक है, बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक। कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति को अवैध बताया जा रहा है, तो उसी के आधार पे आप लोग अपनी मतलब काम कब से कार्य पे कब से कार्यरत थे आप लोग? ये जितने चौकीदार हटाए गए हैं ये 16 में हटाए गए हैं और ये पत्रांक है बिहार सरकार के गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक। कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति को अवैध बताया जा रहा है, तो उसी के आधार पे आप लोग अपनी मतलब काम कब से कार्य पे कब से कार्यरत थे आप लोग? ये जितने चौकीदार हटाए गए हैं ये 16 में हटाए गए हैं और ये 2010 अप्रैल के बाद बहाल हुए हैं और 23 मई 2014 और 19 अप्रैल 2010 के बीच में बहाल हुए थे। तो क्या लगता है सरकार को अब होश आता है कि आप लोग की नियुक्ति अवैध थी? नहीं, ये सरकार काम करेगी कि नहीं करेगी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चौकीदारों के साथ ही जो अन्याय हुआ है कोर्ट के ओट में, इनको बचाने का सरकार के तरफ से पूर्ववर्ती सरकार कोई उपाय नहीं की। जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का डायरेक्ट इन्होंने निशाना सरकार पे साधा और इन लोगों का कहना है कि 2010 में ये लोग की नियुक्ति हो चुकी थी जबकि ये लोग कार्यरत थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार क्या खोती है और सरकार का कहना होता है कि ये लोगों की नियुक्ति जो है अवैध है, उसको लेकर के यहाँ पे महिलाएं भी जो है काफी तादाद में मौजूद है। अब ये लोग करे तो क्या वही कहीं ना कहीं सरकार से ये लोग जो है गुहार लगाते नजर आ रहे। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे आप लोग। 2010 में आप लोग की जो है नौकरी लग गई थी लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अब होश आता है कि आप लोग की नियुक्ति जो है वो अवैध थी। कितनी तकलीफें, और आप एक महिला है, आप कहीं ना कहीं काम करती थी, आपको एक उम्मीद था कि आप अच्छे से काम करके आप अपने घर चला सकती हैं, पर कहीं ना कहीं अब आपको हटा दिया गया, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? खेती करना ही कर रहे हैं, कितना मुश्किल से बच्चा छोटा छोटा बच्चा था तो बच्चा लेकर जा रहे थे खेत में कटने के लिए,
जब मेरा हस्बैंड नहीं है और मुझे ये कर दिया, उसी जगह में हम लोग को रखना था। इतना तकलीफें हम लोग झेले हैं, इसी दौरान कितना ही हम लोग कागज मांग पत्र दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हुआ। अभी हम लोग आंदोलन पर खड़ा है, हम लोग आंदोलन में खड़ा है, जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हटने नहीं, नहीं, सरकार आपको रास्ते में निकाल के फेंकने का काम पूरी तरह से कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे सरकार? सरकार तो इतना लग रहा है जो हम लोग क्या करेंगे, वो तो अपना टंडर में सोया हुआ है। अगर सरकार आपकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो देख ही रही हैं, लेकिन अभी हम लोग रणनीति बनाएंगे आगे जाकर। हम लोग अभी तो अनिश्चितकालीन के लिए किए हुए हैं, उसके बाद हम लोग अपने विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ बताएंगे। क्या कुछ मांगे करते हैं आप अपनी सरकार से? हम लोग मांगे यही कर रहे हैं, जो हम ये बर्खास्त जो सरकार की है चौकीदारों को, उन लोग को पुनः जो है सब बहाल करे, रिक्त स्थानों पर जो भी वो एफ जी के आधार पर जो परंपरा का आधार पर जो पहले से होता आ रहा है उस अनुसार वो करे। मैं झारखंड प्रदेश के चौकीदार संघ के सचिव हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का मांग है लगातार कि सरकार इनकी मांगों को मांगों को पूरा करे, जबकि इन लोग अपनी बहाली की फिर से मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे। और इन लोगों का कहना, अगर सरकार इनकी बातों पे खरा नहीं उतरती है तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। हालांकि हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं और पुरुष काफी तादाद में मौजूद है अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक गौर फरमाती है। जीएन भारत से नेहा खान की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।